सीओ मैडम, इन लोगों ने देखा पानी रुका हुआ है, पर वो बोलते हैं कि निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा जो रुका हुआ पानी, वो कैसे निकल जाएगा सर? ये पूरी ऐसी हाँ, उधर तक है, उधर तक है सर, पीछे तक है, कौन दो से फिट है सर? इधर वो नाला तक आपकी जमीन है क्या? ये इधर तक है, रोड के इधर इधर है, ये भी रोड है क्या? नहीं सर, कॉलोनी बनी है, कॉलोनी वाले ने सीसी रोड बना, इधर से इधर उधर से जरा ये तो यही गंदा पानी रिस्क आ रहा है ना सर? गंदा पानी आ रहा है हमारे, गंदगी पानी है, यही पानी आ रहा है उधर से, आप देख लेंगे ना सर? इतना ज्यादा पानी निकल रहा है, नहीं सर, सर आप एक मिनट आप देख लीजिए, घर की स्थिति देख लीजिए, आप एक बार आप घर की स्थिति देख लीजिए, और ये ना पानी हमेशा ऐसे ही आता है, जैसे उधर से पानी भर जाता है इधर आता है, ये देखो ये घर के नीचे से आ रहा है पूरा, ये ना ये गांव के लोग कोई नहीं देखने आते हैं, आप एक बार देख लीजिए उधर, एक बार सर आप प्लीज़ सर एक बार देख लीजिए, आप एक बार सर घर की स्थिति देख लीजिए सर, आप एक बार प्लीज़ सर मैं निवेदन करता हूँ सर, एक बार देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, वो घर के नीचे से इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी निकल रहा है, तो घर पे कितनी नमी रहती है, आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, हर साल सर ये घर के अंदर से इतना ज़्यादा मात्रा में नीचे से पानी आ रहा है, अंदर पूरी नमी बनी है, पाल वाल वगैरह पन्नी बिछा के रह रहे हैं सर, अगर हम ग्राम पंचायत को बोलते कि पानी को सही जगह से निकालते तो हम कुछ गलत नहीं बोल रहे सर, ये देख लीजिए सर, ये क्या है, ये घर के नीचे से पानी रिस रहा है, ये क्या है, ये हमारी परिस्थिति कोई नहीं दिखाता है, ये कच्ची दीवार है उसके नीचे से पानी आ रहा है सर, वहाँ से निकालने के बाद में भी ना सर ये पेजर होके आता है ये पानी, हमारे यहाँ पे पुराना मकान था वो भी इसी तरह से पानी कारण गिर के ढह गया हो, ये कितनी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, वो कॉलोनी बनी हुई है और पानी सर उधर बना हुआ है, उधर ऊंचा कर दिया उनने, मुरुम डाल दिया है, अब वो पानी पूरा यहाँ तक के आएगा, यहाँ तक भराएगा और उसके पानी उधर उधर रुका हुआ है तो उधर तो जाएगा नहीं ना। एसडीएम सर आए, सीओ मैडम आई, तहसीलदार मैडम आई, उन्होंने कहा कि निकल जाएगा, जब रुका हुआ पानी है सर वो कैसे क्या जाएगा, हम कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं सर, तुम सही बोल रहे हो, पर सही सर है, लेकिन वो जो सामने सामने जो नाला बनाया है सर, तुमको ही बता, तुमको ही हाल बताना है, वो नाली वो सब पीडब्ल्यू वाला तीन, अब क्या बोलूं तुम्हारा पीडब्ल्यू एडीएम साहब आ गया, तहसीलदार साहब आ गया, और रेलवे वाले से बोलना कि भाई एक दो महीने के लिए हम उधर पानी छोड़ेंगे, अब तैयार हमें सही वैसे ही करते हैं पानी, वो वहां पर हां वहां पर आए का डिकू का अपलम बम मानी, डिकू का अपलम बम, अरे डिकू का अपलम बम मान लो, डिकू का मर्जी अपलम, अरे दीकू मांडी अपना बाकी मांडी बाकी मांडी बोले मुंह इधर ही कर दिया, हां सुन लो उधर से निकाल दियो।